भाई हम तो यही कहते हैं कि मोदी जी आ जाए, आ जाए, ठीक है ना। मोदी जी ठीक हैं देश के लिए, वो इंटरनेशनल लेवल के काम कर रहे हैं, और पत्थरबाजी मैं वहाँ पर सर्विस कर चुका हूँ। तो जब हम अपनी गाड़ियों में जाते थे तो वो छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर मारते थे, मगर अब देखा जाए कि पत्थरबाज भी पीछे हट चुके हैं। पहले बात अपना दिमाग साफ कर लें केजरीवाल जी, उसके बाद फिर दिल्ली साफ करने की बात करें। योगी तो एक तरफ, योगी के मुकाबले वो तो जीरो ही है। कौन? जिसकी आप बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी। जीरो ही है, और क्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार तो मिल नहीं रहा है, अभी वो महंगाई रात के चालू किया है, अब 6 महीने के अंदर उनके वोट भी है, तो एक भी वो भी मुद्दा हो सकता है। तो इस हिसाब से इस बार तो गलत मुश्किल है। जहाँ राजस्थान में मतलब पगड़ी सर पे होती है तो उसका मान होता है, अभी जो उनको पहनाया तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने वो टोपी पहन दी। ऐसा कुछ नहीं है, सारा बीजेपी मतलब मोदी जी कर रहे हैं, एक क्रेडिट जबरदस्ती का ये ले रहे हैं। बदलाव तो एक तो उन्होंने 370 दफ़ा जो तोड़ी गई है वो पहले कभी किसी ने नहीं तोड़ी, उसमें कुछ एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है, अच्छा हुआ है। क्योंकि विपक्षी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए फिर से तो हम 370 फिर से लागू कर देंगे। देखिए वो लागू तो नहीं हो सकता जो कानून एक बार बन जाए। वो कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो। कहने से तो बहुत कुछ हो जाता है, कहने को तो सब कुछ कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्योंकि आप रहने वाले हैं इसलिए मेरा। हाँ मैं वहीं का रहने वाला हूँ जो 370 दफ़ा तोड़ी गई है अल्फा एक्ट, वो बहुत अच्छा किया है और बहुत ही बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया काम किया है जो मोदी जी ने। और उसके अलावा विकास के मुद्दे पर अगर मैं बात करूँ, विकास हुआ है वहाँ पर? विकास की जैसे पहले मिलिटेंसी बहुत थी, अगर कश्मीर एरिया में चले जाएं तो कश्मीर एरिया में मिलिटेंसी बहुत थी, अब मिलिटेंसी में भी कुछ फ़र्क पड़ा। और पत्थरबाजी मैं वहाँ पर सर्विस कर चुका हूँ, तो जब हम अपनी गाड़ियों में जाते थे तो वो छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर मारते थे, मगर अब देखा जाए कि पत्थरबाज भी पीछे हट चुके हैं, मतलब उनमें एक डर की भावना, काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है। और जैसे पहले टूरिस्ट जाते थे काफ़ी समय से पहले, जब 1998 में मिलिटेंसी आई उसके बाद बंद हो गए, अभी टूरिस्ट भी जाने को जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हाँ अभी सुरक्षा करते हैं, तो बढ़िया है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले राहुल गांधी भी वहाँ से होकर आए थे, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा अपनी जो शुरू की थी कन्याकुमारी से, उन्होंने उनका जो ख़त्म किया वो वहीं पे हुई थी कश्मीर में, वो आए थे। तो राहुल गांधी को लेकर क्या माहौल है कश्मीर में? देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, जनता के तौर पर पूछ रहा हूँ। देखिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ, अवेलेबल जो अभी चल रहा है वो ठीक चल रहा है, मैं ना राहुल गांधी जी को कुछ कहूँगा ना मोदी जी को कुछ कहूँगा, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र देश में शायद खतरे में है, उनके हिसाब से, उनके बयानों के हिसाब से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो, वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, और मोदी जी जो है वो तानाशाह की तरह जो है बर्ताव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि तानाशाह की तरह बर्ताव? नहीं, तानाशाह तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोग तो बहुत खुश हैं, अभी उनके लोगों को आज़ादी मिली है, जैसे 370 दफ़ा टूटने से कई उनके ऊपर कुछ ऐसे कानून थे जो लागू नहीं थे, अभी वो भी लागू हो चुके हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, अच्छा है, अभी जो चल रहा है बहुत माहौल अच्छा चल रहा है। बाहर से जैसे J&K में एक और चीज़ थी कि बाहर की अदर स्टेट का कोई ज़मीन वहाँ पर ख़रीद नहीं पाता, अभी वो भी ले रहे हैं, आने वाले टाइम में जैसे 2-4 साल या 5-7 साल में जैसे बाहर के लोग ज़मीन ख़रीदेंगे, टूरिस्ट आएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कई प्रकार के मतलब कि मसले, फ़ायदा होगा, हल होगा, तो ठीक है, अभी अच्छा ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। 2024 में क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो क्या लगता है इन मुद्दों से मोदी जी की वापसी होगी सरकार में फिर से? भाई हम तो यही कहते हैं कि मोदी जी आ जाए, आ जाए, ठीक है ना। मोदी जी ठीक हैं देश के लिए, वो इंटरनेशनल लेवल के काम कर रहे हैं, हम लोग अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि छोटे छोटे काम के ऊपर ध्यान देते हैं, हम लोग छोटे छोटे काम के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो छोटा काम नहीं कर रहा, उनकी सोच जो है कि बहुत बड़ी सोच है, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं और इंटरनेशनल लेवल का काम कर रहे हैं, जिनको मालूम है, जो पढ़े लिखे इंसान है, जो लोग हैं उनको सब पता है, और वो काम हो रहा है। शासन तो एकदम बिल्कुल फेलियर है जी। फेलियर किस तरह से? फेलियर तो आप देख ही रहे हो, विकास तो एक तरफ है ही नहीं, विकास तो जो मेन तो है बेरोज़गारी जी, वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है।
रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार तो मिल नहीं रहा है, अभी वो महंगाई रात के चालू किया है, अब 6 महीने के अंदर उनके वोट भी है, तो एक भी वो भी मुद्दा हो सकता है, तो इस हिसाब से इस बार तो गलत मुश्किल है, मुश्किल है जी। कांग्रेस पार्टी में अपनी नेताओं में रार चल रही है, जिस तरह से गहलोत और सचिन पायलट को लेकर। हाँ वो तो चलती है ना, पोजीशन पर भी बैठे थे, बैठे थे बराबर। अब आप किसके पक्ष में, अगर मैं आपसे राजस्थानी होने के नाते पूछूं तो आप किसके पक्ष में? हम तो किसके पक्ष, जो जनता के पक्ष में हम उसके पक्ष में है। आप भी तो जनता ही है। जनता ही है, बराबर है। हाँ लेकिन क्योंकि कई युवाओं का ये कहना होता है कि सचिन पायलट को मौका देना चाहिए, क्योंकि युवा नेता और काफी प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली है, लेकिन जो अभी वो सीएम साहब जो है अब उनके आगे कुछ नहीं कर सकते, वो भी उन्होंने भी डर लगी थी कि अध्यक्ष बनने की, तो ऐसा कुछ था नहीं, बीच में उनके साथ भी कुछ था सचिन पायलट और उनके साथ, वो बोले तो मैं राजस्थान का हैंडल करूँ, वो बोले तो मैं करूँ, ऐसा कुछ नहीं। अभी सचिन पायलट भी बाड़मेर आए थे तो उसमें भी बहुत सारा उत्साह भी था, बहुत बड़ी रैली की थी, आज सर तो होगा। देखो युवा को तो युवा ही चाहिए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए जी, चाहते हैं, चाहते तो है युवा के, हाँ लेकिन वो पार्टी के हिसाब से फिर थोड़ा देखते हैं कि हाँ पार्टी नहीं सुनती। चलिए तो रही राजस्थान की बात, अगर मैं देश भर की बात करूँ, अगले साल 24 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें मैं पूछूँ मोदी सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है 9 साल का, वो कैसा रहा? वो तो मोदी सरकार की जो है वो तो बहुत अच्छा ही रहा है, हर तरफ विकास ही है, अब आप भी चेंजेस देख रहे हो, हुआ है बहुत, हुआ है विकास और आगे भी ऐसे इससे डबल ही होगा, डबल इंजन की सरकार है तो विकास भी डबल ही होता जा रहा है, डबल इंजन की सरकार जी, हाँ वो विकास डबल ही होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है जी, तो मैं आपसे पूछूं अगर योगी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हूँ, मोदी जी को हम साइड रखें, राहुल गांधी और सीएम योगी वर्सेस, चले अगर चुनाव अगले साल में तो जी, योगी तो एक तरफ, योगी के मुकाबले वो तो जीरो ही है। कौन? जिसकी आप बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी जीरो ही है और क्या है, नहीं नहीं नहीं, वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता हो सकते हैं, वो भी उन्होंने अभी बचपना ही है, जो होना चाहिए ना वो नहीं है, युवा हाँ बचपना में बचपना ही है ना, अभी राजस्थान में हम क्या बात करें, जहाँ हमारे राजस्थान नहीं नहीं जहाँ राजस्थान में मतलब पगड़ी सर पे होती है तो उसका मान होता है, अभी जो उनको पहनाया तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने वो टोपी पहन दी तो हाँ मना कर, ये तो पड़ेगा नहीं, हाँ जहाँ अपनी संस्कृति है वो तो पहले ही है ना, अपनी संस्कृति को तवज्जो नहीं देते, तवज्जो नहीं देते वो, मतलब क्या बोले, अब जा जाते हैं तो बीजेपी अपोजिट तो है ही, सीधी सी बात है, लेकिन योगी और क्या बोलते हैं इसमें तो बहुत अंतर ही है मेरे हिसाब से तो, एक शब्द में आपने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ दिल्ली में मतलब आपको लगता है कि विकास हुआ है काम, मतलब जब से आम आदमी पार्टी आई है कुछ बदलाव हुआ है? कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो का वही लेते हैं कि मैंने काफ़ी बदलाव किया है, ले सकते हैं क्रेडिट तो, वो तो दिल्ली बोल रहे थे कि लंदन और पेरिस, जब सीएम बन गए तो कुछ भी कर सकते हैं, क्रेडिट लेने के बाद तो दूर है। उन्होंने कहा था कि जो सड़कें हैं दिल्ली की लंदन और पेरिस जैसी बना दूंगा, तो बनी है? ऐसा कुछ नहीं है, सारा बीजेपी मतलब मोदी जी कर रहे हैं, ये क्रेडिट जबरदस्ती का ये ले रहे हैं। और यमुना की सफाई पर भी काफ़ी बात है। हाँ देख तो रहे हैं आप, यहाँ के गार्डन और यहाँ का पानी साफ़ नहीं हो पा रहा, कितनी गंदगी, हरा पानी हो रहा है, और वो कहाँ यमुना साफ़ करने की बात कर रहे हैं, पहले बात अपना दिमाग साफ़ कर लें केजरीवाल जी, उसके बाद फिर दिल्ली साफ़ करने की बात करें। तो देश के लिए तो बढ़िया कर रहे हैं। नहीं देश के लिए क्या बढ़िया कर रहे हैं? नहीं यार ऐसे क्या नाम बताऊँगा मैं, एक तो सड़क बहुत बढ़िया बन रही है, सड़क तो बहुत बढ़िया बनी है एक तो, और कारोबार भी ठीक है भाई, कारोबार भी ठीक करा इन्होंने, और भाईचारा तो बढ़ी रहा है सबके साथ, नहीं भाईचारा भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है देश में, क्योंकि राहुल गांधी से बताते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं है विपक्ष। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, कौन नहीं बोल रहा, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं, वो कहते हैं विपक्षों को नहीं बोल रहे। अरे नहीं नहीं है, वो सब बेकार की बात है, ऐसा नहीं है। और महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा बना हुआ है। महंगाई तो यार देखो सबसे शुरू बात चली आ रही है, पहले भी थी और अब भी है, ऐसा नहीं कांग्रेस टाइम में नहीं थी, जब भी थी और अब भी है, और जिसके पास काम है उसको क्या महंगाई, जिसके पास काम नहीं उसके लिए महंगाई है। नहीं राहुल गांधी भी अपनी जगह बढ़िया है, ऐसे नहीं है राहुल गांधी की छवि खराब है, राहुल गांधी भी ठीक है, योगी जी का भी एक ठीक है हिसाब, मगर कहीं ना ये देखता लगता है लोगों को कि भाई वो दोहात वाली बात कर रहे हैं, मतलब एक ही आदमी को देख रहे हैं खाली,
एक ही हिंदू मुस्लिम इनको देख रहे हैं, इस हिसाब से देखते हैं तो भाई मुसलमान को नहीं देखा जाता, मतलब उनको उनको नजरअंदाज कर। हाँ हाँ हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, बाकी धीरे धीरे भी ख़त्म हो जाएगा भाई। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ सबसे, जो सरकार है वो सरकार बाप जैसी होनी चाहिए और हम सब उनके औलाद हैं, उनको एक जैसा देखना चाहिए, उनको पिता का फर्ज निभाना। हाँ, मतलब एक जैसा, भाई आपके भाई चार भाई हो तो चारों को एक जैसा देखें, भाई ये ना देखें ये हिंदू है ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं देखना चाहिए। फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है पहले की तुलना में, मतलब कितना बदलाव देखने को मिला आपके साथ और क्या क्या बदलाव देखने को मिला? हाँ मतलब थोड़ा अभी अगर उसकी बात करें एक पुलिस या किसी उसकी मतलब लॉ एंड ऑर्डर की, तो पहले से काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी बेहतर है। और अन्य मुद्दों पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि योगी शासन पे मतलब योगी जी पे काफ़ी सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे अतीक अहमद जो थे उनकी मतलब हत्या कर दी गई पुलिस कस्टडी में, वे एक बड़ा सवाल खड़ा उठा। एक्चुअली मैं थोड़ा ये पॉलिटिकल में इतना वो इन्वॉल्व रहता नहीं हूँ, बट अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करोगे तो मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ पहले से ज़्यादा अच्छा। और विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे, विकास के मुद्दे? हाँ देखिए, ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद की बात करूँ, वहाँ पर काफ़ी हो रहा है तो इट्स ओके। देखिए फिलहाल मोदी जी वो हैं, अभी अच्छा चेहरा है, ठीक है। मैंने अगर बात की है तो डेवलपमेंट में मुझे सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड वगैरह, मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ कि हाँ मैं कहीं भी जाता हूँ तो आराम से मेरे को हाईवे वगैरह काफ़ी वो दिखते हैं, तो बहुत है। बेरोज़गारी हो या महंगाई हो ये तो जैसे कि जितने अभी एक जनसंख्या की बात करें ये करें तो एक अलग चीज़ होगी, ये तो होता ही जाएगा, अभी जनसंख्या भी बढ़ रही है, जॉब्स कितनी क्रिएट होंगी पर, लेकिन बिज़नेस ज़्यादा डेवलप होंगे तो अभी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उससे ये होगा कि भाई जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी, तो अब एक दिन में चीज़ें होंगी नहीं होंगी वो मैं नहीं कह सकता। तो आपके हिसाब से काम सही चल रहा है? ठीक है, बेटर देन बिफोर। तो आपको लगता है वापसी हो जाएगी इस बार मोदी सरकार की? होनी चाहिए, होनी चाहिए।